जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th का जो दोस्तों मैथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो एक्टिव है आपका एक्टिव बुक से, यानी हम लोग कहेंगे चित्रा प्रकाशन की बुक से, उस बुक से अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 को कर रहे हैं। 1.2, 1.1 को हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। 1.3 के दोस्तों हम लोग पार्ट 1 को खत्म कर लिया है। आज हम लोग 1.3 के पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था, सर जी पार्ट 2 को प्रोवाइड करवा दीजिए, पार्ट 2 को प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आज इस वीडियो में पार्ट 2 को ही प्रोवाइड करवाएंगे। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंप्लीटली खत्म कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हो तो इसके जो पहले प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1, उसको जरूर देखिए और वीडियो को सीरियल से देखते आइए, क्योंकि सीरियल से नहीं देखोगे तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में a बराबर 1, 2, 3 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में a बराबर 1, 2, 3, 4। इसके बाद b बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3। इसके बाद सी बराबर 2, 4, सी बराबर 2, 4 है। तो इन्होंने ये कहा है, तो यक्स इस प्रकार से ज्ञात कीजिए कि हमें यक्स ज्ञात करना है, हर कंडीशन में यक्स ज्ञात करना है। नंबर एक में इन्होंने कहा यक्स, यक्स यक्ष जो है उचित उपसमुच्चय बी, फिर तथा यक्ष उचित उपसमुच्चय नहीं है सी। तो यक्ष उचित उपसमुच्चय नहीं है सी। तो अब देखिए उचित उपसमुच्चय के बारे में हमने पढ़ा दिया था आपको इसके पहले ही वीडियो में। यक्ष उचित उपसमुच्चय बी, यानी बी का ऐसा अवयव हो, बी में ऐसे अवयव हो कि जो यक्ष में ना हो, यानी यक्ष के सभी अवयव बी में हो लेकिन बी में कुछ अवयव ज्यादा हो। ये माने यक्ष के सभी अवयव बी में हो, बी के कुछ अवयव ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यक्ष उचित उपसमुच्चय बी। समझना, जैसे आप लोग यहां पर क्या लोगे, यक्ष का मान क्या लोगे, तो यक्ष बराबर आप लोग लोगे, ध्यान देना, बी में 1, 2, 3 है, तो मतलब एक संख्या जो है ना बी में ज्यादा रहने देना, एक या दो संख्या, तो यक्ष में आप लोग एक लोगे। तो देखो फिर भी ये उचित उपसमुच्चय है, बी में जो संख्या ज्यादा है, यक्ष में आप लोग दो नहीं लोगे क्योंकि इन्होंने कहा यक्ष जो है वो सी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो 2 और 4 को नहीं ले सकते आप लोग, 2 और 4 को नहीं ले सकते हो, बाद बाकी सब मान ले लो। तो आप लोग 2 भी 2 नहीं 3 ले सकते हो। फिर भी देखो बी में 2 ज्यादा है, 1 और 2 ले सकते हो, 2, 3 एक्स का मान है, एक्स का मान 1, 2 लोगे तब भी 3 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सी की बात करोगे तो 2 है लेकिन 4 तो नहीं है ना, इसलिए। फिर इसके बाद आप लोग 1, 3 ले सकते हो, देखो 3 है क्या इसमें, नहीं है ना, फिर भी देखो एक्स का मान 1, 3 है, बी में 1, 3, बी में 1 ज्यादा है कि नहीं, बी में 1, 2, 3 ज्यादा होना चाहिए, कुल मिलाकर ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद आप लोग इसमें लोगे 2, 3, और इसके बाद आप लोग और क्या ले सकते हो, सी का नहीं होना चाहिए, तो 1, 2, 3 जो कि सी में है भी नहीं और देखो इसके बराबर भी है, तो बराबर भी ले सकते हैं। समझना फिर से एक बार, एक्स की एक्स में जो भी अवयव है वो बी के अवयव से कम हो, बी के अवयव से कम हो। देखो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में आपके पास ये है कि एक्स उपसमुच्चय बी, एक्स उपसमुच्चय बी और यक्स नॉट इक्वल्स टू बी, यक्स नॉट इक्वल्स टू बी, यक्स नॉट इक्वल्स टू बी और यक्स तथा यक्स नॉट एनी नॉट सबसेट सी, इसको सबसेट भी पढ़ते हम लोग, एक्स यहाँ पर कैपिटल लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है, कथन ये है कि यक्स बी का जो है वो उचित उपसमुच्चय है, मतलब बी का अवयव ज़्यादा होना चाहिए, बी ही तो है ना इसमें, हाँ बी है, एक्स का बी, बी का ए का एक्स का सभी अवयव बी में हो, एक्स का सभी अवयव बी में हो और बी में कुछ अवयव ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय है, लेकिन बी के बराबर ना हो। इसी यहाँ पर ये बराबर है,
जैसे यहाँ पर क्या है, ये बराबर है, देखो बी के बराबर है कि नहीं, बी के बराबर एक्स है, तो यहाँ पर बराबर ना हो और सी का उचित ऑप्शन चर ना हो। तो देखिए कहाँ था ले लेंगे हम लोग, एक ले लेंगे, तीन ले लेंगे, एक दो ले लेंगे, एक तीन ले लेंगे और दो तीन ले लेंगे, किंतु एक दो तीन नहीं लेंगे क्योंकि ये बराबर में, सिंपल। इसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में आपके पास ये है एक्स उचित उपसमुच्चय सी, सी नहीं ए, फिर बी, ए एक्स उचित उपसमुच्चय बी, बी लिख दे रहे अभी, और इसके बाद सी, तथा एक्स उचित उपसमुच्चय सी। अब देखो यहाँ पर तीनों उन्होंने एक बात कही है कि एक्स उचित उपसमुच्चय ए, उचित उपसमुच्चय बी और उचित उपसमुच्चय सी, यानी तीनों का हो। तो ध्यान देना, तीनों मतलब कॉमन, ए का अवयव एक्स से ज़्यादा हो, बी का अवयव भी एक्स से ज़्यादा हो, सी का अवयव भी एक्स से ज़्यादा हो, तो फिर एक्स में लोगे क्या? ये कह रहा है कि ए का अवयव भी एक्स से ज़्यादा हो, बी का अवयव भी एक्स से ज़्यादा हो और सी का अवयव भी एक्स से ज़्यादा हो, तो ऐसा लेना असंभव हो गया है, इसलिए एक्स का जो मान है एक हम लोग फाइव ले लेंगे। मतलब कुछ भी नहीं, क्या ज़्यादा ले सकते हम लोग, एक का मान एक दो तीन चार ही है और दो चार भी हमारे पास है, एक दो तीन भी हमारे पास है, यानी तीनों ही ले लोगे। अगर अब लेना हमें इसी के अंदर से है, लेना हमें इसी के अंदर से है, तो एक दो तीन लोगे तब भी देखो समझना, एक तुम लोग एक का मान ज़्यादा हो तो एक्स का मान एक से चार तक ही ले सकते हैं हम लोग, एक्स का मान एक से चार तक ही ले सकते हैं, तो एक से चार तक लेंगे तो ज़्यादा कहाँ हो रहा है, फिर एक दो तीन लेंगे तो एक्स में नहीं ए में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, x बराबर फाइव कुछ भी ज़्यादा नहीं है, या फिर हम लोग इसमें दो भी ले सकते हैं, दो क्यों, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो कॉमन संख्या है, तो दो ले लोगे x का मान, तो अगर x का मान दो ले लोगे तो इसमें भी है, फिर से समझना, x का मान a से ज़्यादा लोगे ना, तो देखो दो अगर इसमें लोगे तो x का मान दो है, तो इसमें दो से ज़्यादा है, इसमें भी दो से ज़्यादा है और इसमें भी दो से ज़्यादा ही है, मतलब दो के अलावा चार भी है, दो के अलावा एक तीन चार भी है, दो के अलावा एक दो एक तीन भी है, इसलिए ये सभी के सभी दो लेने पर भी उचित उपसमुच्चय में आ ही रहे हैं। इसलिए तो आठवां खत्म, नौवां देखिए, नौवां में ये है कि किसका निम्नलिखित समुच्चय में कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय है। सबसे पहले ए बराबर हमारे पास क्या है, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स सेट आर यानी बिलोंग्स टू आर, तथा यक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस बारह और बराबर ज़ीरो। इसके बाद बी में है, बी में है दो चार छः, दो चार छः, और सी में है दो चार छः आठ, दो चार छः आठ डॉट डॉट डॉट, और डी में है, डी में क्या है केवल छः। कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय है। देखो पहले पहले हम लोग ए को हल कर लेते हैं, जब ए को हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस बारह ले लो, बारह एकम बारह, बारह का ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर आठ आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स माइनस दो एक्स प्लस बारह बराबर जीरो, छः दूनी बारह, छः में जोड़ दो जोड़ दो तो आठ, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें एक्स ले लो कॉमन, तो एक्स माइनस छः बचा और माइनस दो कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस छः बराबर जीरो, तो दोनों में एक्स माइनस छः हो गया कॉमन, तो बचा क्या एक्स माइनस दो बराबर जीरो। तो जब करोगे तो एक एक्स बराबर कितना आ जाएगा छः और दो, यानी ए का जो मान है हमारे पास दो कमा छः, दो को पहले को छः को बाद में लिख दो, छोटे संख्या के बाद बड़ी संख्या। अब बी को हल करो, बी तो हल है, सी भी हल है, डी भी हल है। अब देखिए कौन किसका उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर देखो क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए में दो छः है
और 2, 6 है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी का इसमें उचित उपसमुच्चय है। तो ए जो है ये बी का उपसमुच्चय है। इसके बाद हम लोग कहेंगे ए बी में ए बी का भी उपसमुच्चय है, ये सी का भी उपसमुच्चय है। तो ये सी का भी उपसमुच्चय, एक काम करो उपसमुच्चय प्लस उचित उपसमुच्चय दोनों दिखा दो, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा है इसमें भी ज़्यादा है। तो ए सी का भी उचित उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय भी है। इसके बाद ए में ज़्यादा है और डी में कम है, तो हम लोग कहेंगे डी, पहले डी की बात पहले कर लेते, ए की बात कर लेते, ए बी में भी है और ए सी में भी है उचित उपसमुच्चय में। इसके बाद बी सी की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा है, तो बी और सी, तो बी सी का उचित उपसमुच्चय है, क्योंकि बी में 2, 4, 6 है, इसमें 2, 4, 6 उसके अलावा 8 भी है। और इसके बाद डी देखिए, डी जो है ये किसका है, डी ए का भी है, और इसके बाद डी जो है ये बी का भी है, और डी जो है ये सी का भी उचित उपसमुच्चय है। और कोई किसी का है, बस इतना ही है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 खत्म, 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि ए बी सी के उचित उपसमुच्चय लिखिए। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के आपको उचित उपसमुच्चय लिखना है। उचित उपसमुच्चय लिखने के लिए इसमें फार्मूला हम लोग कौन लगाते हैं, एन बराबर क्या है, 3 है, 1, 2, 3 कितने अवयव है, 3 है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं 2 की घात n, यानी 2 की घात 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। या फिर इसके लिखने का तरीका कैसे है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए इसको जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिखते हैं फाई को, इसके बाद हम लोग लिखते हैं फाई के बाद किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे, ऐसे लिखो, सबसे पहले फाई को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे, फिर पहले फाई लिखते हैं फिर ए लिखते हैं, फिर वी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, फिर ए वी लिखेंगे, फिर बी सी लिखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर एक बार ए सी लिखेंगे, ए बी बी सी और ए सी, और एक बार सभी को लिखेंगे ए बी सी। अब गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखो 8 है, 8 अभी अब है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये क्या है, ये है आपके पास उपसमुच्चय। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में ये है समुच्चय, ए बी सी का घात समुच्चय लिखिए, ए बी सी का घात समुच्चय, तो ए बी सी का घात समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या कहा, ए बी सी का घात समुच्चय। ध्यान देना, घात समुच्चय को हम लोग कैसे लिखेंगे, घात समुच्चय को लिखेंगे पहले तो n बराबर कितना है, n बराबर 3 है, तो घात समुच्चय में हम लोग 2 की घात n का फार्मूला लगाते हैं, तो 2 की घात 3 मतलब ये हो गया 8। इसको ऐसे लिखो, संख्या की बात की जाए, अब घात को हम लोग अगर इसको a बराबर लेंगे है ना, तो इसको pa बराबर लिखते हैं, pa बराबर, अब pa बराबर ध्यान देना हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, पहले a लिखो, इसके बाद b लिखो, इसके बाद सी लिखो, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, फाई, पहले फाई लिखते हैं, फिर ए बी सी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, फिर एक बार क्या लिख देंगे हम लोग, ए बी सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसे ही घात समुच्चय कहते हैं और इसे ही उपसमुच्चय कहते हैं।
दोनों सेम सेम है, दोनों किस प्रकार से है, सेम सेम है। अब इसके बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है ये 11 का है ए पार्ट। बी पार्ट में इस प्रकार से है, बी पार्ट में है ए बराबर 0 0, फिर 2 3 2 3, फिर मीडियन क्लोज ब्रैकेट, फिर पी ए ज्ञात कीजिए। इसमें पी ए पूछ रहा है, पी ए का मतलब हो गया घात समुच्चय। इसमें कितने अवयव है, सबसे पहले ये बताओ आप कितने अवयव है, एक अवयव, ये एक अवयव है, देखो कोष्टक बंद है, एक अवयव है, तो एन बराबर हो गया 2, अर्थात 2 की घात, एन का फार्मूला लगाओगे 2 की घात 2 मतलब 4। कितने अवयव बनाओगे इसमें, 4 अवयव बनाओगे। कैसे बनाओगे, कितने अवयव बनाना है इसमें, 4 अवयव बनाना है आपको। सबसे पहले आप लोग 4 अवयव बनाने के लिए क्या करोगे, पहले फाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, फाई लिखते हैं। इसके बाद फाई लिखने के बाद एक बार आप लोग 0 लिखोगे, एक बार आप लोग 2.3 लिखोगे, एक बार 5 लिखोगे, एक बार 0 लिखोगे, एक बार 2 ये लिखोगे 2.3, और एक बार 0.2.3 लिखोगे, क्यों 1 2 3 4, कितने में हो गए 4, और ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब देखो 11 के बाद 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में है कि ए बराबर 5, तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। ए बराबर हमारे पास क्या है, 5 है, और निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी इसका ए पार्ट में है पी ए, ए पार्ट में क्या है पी ए, बी पार्ट में क्या है पी पी ए पी ए, और सी पार्ट में क्या है पी पी ए पी पी ए। अब देखो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट ज्ञात करेंगे, तो पी ए जब ज्ञात करेंगे, फाई का मतलब ही होता है कुछ नहीं खाली, तो पहले कंडीशन में एन बराबर 0 है हमारे पास, तो एन बराबर 0 मतलब 2 की घात 0, और 2 की घात 0 का मतलब हो गया 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे। अब 1 में हम लोग क्या लेंगे, तो पी ए बराबर घात समुच्चय है तो केवल फाई लेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग जब इसको ज्ञात करेंगे बी पार्ट को पी पी ए, ठीक है, इसमें एन का मान क्या है, इसमें एन का मान देखो 1 है, इसमें केवल पी ए है, तो पी ए का मतलब हो गया 0, कुछ भी नहीं है, तो पी ए का मतलब कुछ भी नहीं है, और इस पी का मतलब 1, तो ये हो गया एन बराबर 1, यानी 2 की घात 1 बराबर 2। इसको आप लोग 2 बनाओगे, 2 अवयव में कैसे बनाओगे, देखो 1 में आप लोग क्या लिखोगे, 1 में आप लोग को तो फाई लिखना ही है, 1 में आप लोगों को क्या लिखना है, फाई लिखना है, और 1 में आप लोगों को देखो इस प्रकार से फाई लिखोगे, और 1 में इस प्रकार से फाई लिखोगे, देखो 2 अवयव हो गए, 1 अवयव 2 अवयव, क्योंकि फाई है, सिंगल फाई है, तो उसको 2 बार फाई 3 बार फाई, तो उसको हम लोग इस प्रकार से, ये अलग अवयव है और ये अलग अवयव है, इसलिए। अब देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट में कैसे दिखाएंगे हम लोग, सी पार्ट में चलो यहीं पे है, सी पार्ट में है पी 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 ए। अब देखिए यहाँ पर यन का मान क्या है, यन का मान है, इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 2, तो यन बराबर 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 की घात n बराबर 2 की घात 2 मतलब 4। कितने अवयव बनाओगे, 4 अवयव बनाओगे। अब फाई से ही बनाओगे, कैसे बनाओगे, एक अवयव आपके पास फाई है, दूसरा अवयव इस प्रकार से फाई है, तीसरे को आप लोग डबल मतलब ब्रैकेट में दिखाओगे फाई है, और चौथे को दिखाओगे आप लोग ट्रिपल में, मतलब केवल ब्रैकेट चेंज कर दोगे और ये बन गया, देखो 1 2 3 4, और ट्रिपल हम लोग मीडियन ब्रैकेट दिखा देंगे, और 4 अवयव हो गया, इसलिए 2 4 अवयव है, 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव 4 अवयव। अवयवों को एक ही अवयव को अधिक से अधिक अवयव कन्वर्ट करने के लिए केवल मझले कोष्ठक को लगाते हैं, बस एक दिखाना, जैसे फाई है तो एक दिखा दिया, इसको इसी को दूसरा अवयव दिखाने के लिए हम लोग एक मझला कोष्ठक, और तीसरा दिखाने के लिए हम लोग दो डबल मझला कोष्ठक, चौथा दिखाने के लिए 3 मझला कोष्ठक, ऐसे लगाएंगे, 5वां दिखाने के लिए 4 मझला कोष्ठक लगा देंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर तेरह भाई ये है कि निम्नलिखित समुच्चय को अंतरालों के रूप में लिखिए, अंतराल के रूप में लिखना है। तो ए पार्ट में हमारे पास ये है, ए पार्ट में है यक्स दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग्स टू भी कहते हैं, सेट भी कहते हैं, माइनस वन इसके बाद है इज लेस देन इक्वल्स टू टू, इसको अंतराल में दिखाना है। अंतराल दिखाने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें कौन कौन सी, एक स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है, ये आप लोग ध्यान रखना, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कंटिन्यू, क्या है कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक है इसको, और इस ब्रैकेट का मतलब है स्टॉप, क्या है स्टॉप। तो कंटिन्यू और स्टॉप में क्या है, ध्यान देना कि ये लगातार है और ये स्टॉप का मतलब रुका हुआ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर अंतराल में दिखाना है तो यक्स का मान जो है -1 से अधिक है और 2 के बराबर है, यानी -1 से लेकर 2 तक है, मतलब इस प्रकार से -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, मतलब यहाँ से ये कंटिन्यू होता गया और यहाँ पर आकर रुक गया। तो इसका मतलब है इसको ऐसे दिखाएंगे -1 और इसको ऐसे दिखाएंगे ये स्टॉप, तो ये कंटिन्यू से स्टॉप, ठीक है। बी पार्ट है कि यक्स सच दैट यक्स जो भी है, ठीक है, थ्री हम लोग क्या लिखेंगे, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू यक्स इज लेस देन सेवन। अब देखिए यहाँ पर यक्स का जो मान है 3 के बराबर है और 7 से कम है, मतलब यहाँ पर समझिए जैसे एक अगर सारणी की बात करें, ठीक है, संख्या रेखा की बात की जाए तो यक्स का मान 3 के बराबर है, तो 3 से लो तो 3, इसके बाद 7 से कम तो 4, 3 के बराबर है, किंतु यक्स का मान 7 से कम है, 5, 6, तो हम लोग क्या लेंगे, ध्यान देना यहाँ पर यक्स का मान 3 पर ही है, मतलब यहाँ पर स्टॉप है 3 पर ही है और 7 से कम है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना कि यहाँ पर स्टॉप है और 7 से कम है, तो 6, 5, 4, 3 यहाँ तक ऐसे लेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, मतलब समझना फिर से एक बार, यक्स का मान 3 पर ही है, 3 तक है, स्टॉप है वहाँ पर, और स्टॉप होने के बाद यक्स का मान 7 से कम है, तो 7 से कम लेते जाओगे तो 6, 5, 4, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा संख्या रेखा थोड़ा मिस्टेक है, ऐसे 6, 5, 4, 3, हाँ ठीक है, सही है, बस यहीं तक लेंगे हम लोग, ऐसे ही लेंगे, ठीक है यहीं तक, इसलिए इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। इसके बाद जो आपके पास इसी का सी पार्ट यह दिखाते हैं हम लोग, सी पार्ट में है यक्स इज लेस देन 2, यक्स का जो मान है वो 2 से कम है, यक्स का मान जो है वो किससे कम है, 2 से कम है। देखो यक्स का मान 2 से कम लोगे तो कहाँ से कहाँ तक लोगे, यक्स का मान जो है वो किससे कम है, 2 से कम है, मतलब -∞ से 2 ले लोगे आप लोग, इस ब्रैकेट को नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, इसमें क्या कहा है, यक्स का मान जो है वो 2 से कम है,
तो एक्स का मान दो से जब कम लोगे ना, तो दो से कम क्या लोगे, एक लोगे आप लोग, माइनस एक लोगे, नहीं एक लोगे, जीरो लोगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक जाओगे, माइनस इन्फिनिटिव, क्योंकि संख्या रेखा पर ये माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव होते हैं, तो माइनस इन्फिनिटिव, इसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर माइनस दो से, सॉरी दो से एक, जीरो, माइनस एक, माइनस दो, ऐसे कंटिन्यू करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव, इसलिए यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद देखिए डी पार्ट, इसी का डी पार्ट, डी पार्ट में है, डी पार्ट में आपके पास है माइनस तीन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, माइनस तीन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स। अब लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स का जो मान है, सबसे पहले तो माइनस तीन लोगे ही आप लोग, एक्स का मान माइनस तीन के बराबर है या उससे अधिक है, या उससे अधिक है, अधिक मतलब माइनस तीन से लेते रखे आप लोग, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक दो तीन चार, ऐसे करते करते कहाँ पहुँच जाओगे, इन्फिनेटिव तक, मतलब कंटिन्यू है यहाँ पर, क्या है, कंटिन्यू है, इसलिए कंटिन्यू का निशान आप लोग ऐसे लगाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर जो निशान है यहाँ पर कंटिन्यू नहीं लगाओगे, माइनस तीन से है, मतलब बराबर की बात जब भी कही जाती है बराबर का मतलब होता है स्टॉप, तो वहाँ पर स्टॉप कर देना आप लोग, यहाँ पर वहाँ पर क्या कर दोगे, स्टॉप, तो ये स्टॉप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई पार्ट, इसी का ई पार्ट, ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में, ई पार्ट में है दो, दो इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू नो। अब देखो इक्वल्स टू की बात जब भी कही जाती है, समझ जाना आप लोग की स्टॉप की बात है वहां पर, तो वहां पर क्या है, स्टॉप की बात है, तो इसको आप लोग कैसे दिखाओगे, इसको आप लोग यहां पर दिखा दे रहे हैं, यहां पर आप लोग ऐसे दिखाओगे दो और नौ और इस प्रकार से स्टॉप। इक्वल्स टू की बात अगर कही जाए, अगर बराबर की बात कही जाए, मतलब वो स्टॉप है, मतलब वो स्टॉप है, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन की बात कही जाए, तो वो स्टॉप नहीं, वो कंटिन्यू है, वो क्या है, कंटिन्यू। तो यहां पर आप लोग समझ जाना कि अगर स्टॉप दिखाना तो ऐसे दिखाओगे, कंटिन्यू दिखाना तो ऐसे दिखाओगे, और बराबर वाक्य की बात कही जाए तो वहां पर स्टॉप है, ठीक है। अब दोस्तों इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण में लिखी है, समुच्चय निर्माण बस उसी का उल्टा दिया गया है। तो आपके पास पहला ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में है 2.5, ये इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहेंगे कि कंटिन्यू कहेंगे, और कंटिन्यू को लेस देन से दिखाते हैं, कंटिन्यू को किस तरह से लेस देन, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर दिखाओगे। अब एक्स जो है यानी 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, बस लेस देन से दिखा देंगे इसको हम लोग, ठीक है। और इसके बाद बी पार्ट में हम लोग कैसे दिखाएंगे, बी पार्ट में हमारे पास है दोनों ही स्टॉप ब्रैकेट है, स्टॉप 3.9, मतलब इसको स्टॉप दिखाएंगे, स्टॉप में हम लोग इक्वल्स टू दिखाते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको दिखाएंगे, एक्स जो है इज लेस देन इक्वल्स टू 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, बस लेस देन इक्वल्स टू दिखा देंगे और वहाँ पर हम लोग स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर सी, सी पार्ट में है -2 और स्टॉप ब्रैकेट 7, तो यहाँ पर हम लोग इसको कंटिन्यू दिखाएंगे, तो इसको कंटिन्यू दिखाएंगे, तो हम लोग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसके बाद -2 इज लेस देन एक्स, और इसको इज लेस देन इक्वल्स टू 7 कहेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू कहेंगे तो मतलब वहाँ पर रोक देंगे। डी पार्ट, डी पार्ट में है 3, डी पार्ट में क्या है 3 और 12, और यहाँ पर एक स्टॉप में है और एक कंटिन्यू पे है, तो इसको आप लोग कैसे दिखाओगे, एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 3 को आप लोग इज लेस देन इक्वल्स टू दिखाओगे,
थ्री को एक्स पे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप है और यहाँ पर 12 को ऐसे दिखाओगे क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू है, सिंपल है, कंटिन्यू कैसे दिखा दोगे आप लोग। इसके बाद ई पार्ट, ई पार्ट में है माइनस टू और इन्फिनीटू, माइनस टू इन्फिनीटू, इन्फिनीटू कंटिन्यू पर है, माइनस टू स्टॉप पे है, तो ये हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू इज लेस देन, ध्यान देना यहाँ पर इक्वल्स टू एक्स दिखाना है आपको, क्योंकि ये तो आपके पास क्या है, ये जो है ये स्टॉप पे है इसलिए इक्वल्स टू, और एक्स का मान इन्फिनीटू मतलब ये कहाँ तक है, प्लस इन्फिनीटू तक है, तो यहाँ पर इज ग्रेटर देन वन भी कर सकते हम लोग, क्योंकि वन से ज़्यादा नहीं, इसको पे दिखाना है तो एक्स का मान इस प्रकार से दिखा सकते हो वन, क्योंकि फिर वन से आपको ज़्यादा लेना है, तो वन से ज़्यादा क्या है इन्फिनीटू तक, तो इसको यही तक छोड़ दो। यफ, यफ में है माइनस इन्फिनीटू टू, दोनों कंटिन्यू पर है, दोनों कंटिन्यू पर है, तो कंटिन्यू को हम लोग कैसे दिखा देंगे, x such that x belongs to R, यहाँ पर दिखाओगे जो x है दोनों कंटिन्यू पर हैं, तो हम लोग दिखाएंगे x is less than equals to 2, तो greater than equals to लगा देंगे, क्योंकि दो के बराबर होना चाहिए, नहीं यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि हमें x का जो मान है वो दो से अधिक लेना है, दो से अधिक लेना है, दो से अधिक नहीं लेंगे। यहाँ पर फिर से वो समझिए, x इज लेस देन 2 लेंगे तभी माइनस इन्फिनिटी जा सकते हम लोग, क्योंकि x का जो मान है वो दो से कम लेंगे तो फिर 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस इन्फिनिटी कंटिन्यू, इसलिए मतलब कंटिन्यू की वजह से हम लोग इसको इक्वल्स टू में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में करते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये है कि निम्नलिखित कथनों में तारांकित स्थान पर प्रतीक सेट अथवा नॉट सेट में यानी बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स में प्रतीक का प्रयोग करके लिखिए, तो इसमें है ए पार्ट में है 1.2, फिर आपके पास स्टार है, फिर 1.2, 5, इसको आपको बताना है कि ये बिलोंग्स में है कि नॉट बिलोंग्स में है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो बिलोंग्स में है कि नॉट बिलोंग्स में है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित तारांकित स्थान पर प्रतीक में उचित प्रतीक का प्रयोग कीजिए, तो ये इससे संबंधित है, ये कह रहा है कि संबंधित नहीं है, ये दिखाना है। बी पार्ट में, बी पार्ट में है एक, फिर बीच में तारांकित है, यहाँ का निशान अलग है, यहाँ का निशान इस प्रकार से है, और इसमें है 0.2, 0.2। सी पार्ट में है, सी पार्ट में क्या है -3, फिर तारांकित है, फिर इसके बाद है -5, -5 और -3, और इसके बाद है डी पार्ट में है 3, डी पार्ट में है 2, फिर तारांकित है, फिर कंटिन्यू है 3.9.2, दोनों कंटिन्यू पर है। एक बार चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, कंटिन्यू और स्टॉप, इसके बाद है दोनों ही स्टॉप है, ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू स्टॉप है, इसके बाद है आपके पास कंटिन्यू और कंटिन्यू। देखो अब इसमें आपको बताना है कि कौन बिलोंग्स में है कौन बिलोंग्स में नहीं है। ये कह रहा है कि -1.2 से 5, तो 1.2 से 5 तक यानी 5 पर स्टॉप है, मतलब यहाँ पर यक्स का जो मान है ना, यक्स का मान कैसे दिखाओगे आप लोग, इसमें देखिए इसमें कैसे दिखाओगे आप लोग, यक्स का मान जो है समझना,
1.255 पर स्टॉप है, मतलब इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 1.2 इस प्रकार से है, है ना। तो क्या इससे बिलोंग्स है, मतलब 1.25 से 5 तक, तो 5 तक की बात इन्होंने कहा है, तो यहाँ पर फिर 1.5 होना चाहिए। क्या 1.5 है? नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स में है। इन्होंने कहा 0 से 2, जब इसको दिखाओगे आप लोग तो यक्स का मान जो है, चलो आई से दिखाओ आप लोग, इसने अगर ग्राफ बना के दिखाए तो 0 से 2, 0, 1, 2, क्या इसके बीच है? तो ये इसके बीच है, स्टॉप स्टॉप है ना, तो इसी के बीच है कि नहीं है? तो है, तो ये बिलोंग्स में है। ये -3 से 5, -5 से 3 तक, तो -5, -4, -2, -3, फिर -2 नहीं है, -3, तो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बिलोंग्स में है? ध्यान देना कि ये बिलोंग्स में है। कैसे है? -5, -4, फिर -3। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि -1.25 से 5, इसलिए बिलोंग्स नहीं है, ये 1, 2, 3, 4 होता तो यहाँ पर बिलोंग्स कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये बिलोंग्स में है, ये तो है, ये बिलोंग्स में है। 2 में देखिए, इसमें फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट देख के ऐसे लगा दो नॉट बिलोंग्स, पॉइंट है, पॉइंट देख के लगा दो नॉट बिलोंग्स, क्योंकि हम लोग संख्या रेखा पर पॉइंट नहीं दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर 0 से 1, 2, 3 दर्शाते हैं, पॉइंट नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। अब पॉइंट की बात फिर भी कही जाए तो उन्होंने कहा दोनों कंटिन्यू पर है, दोनों कंटिन्यू पर है, मतलब 3 से लेकर 3, 4, 5 से लेकर, तो उसके बीच क्या 2 है? 2 नहीं है, इसलिए ये नहीं है। पॉइंट की बात अगर छोड़ भी दे तो 3 के बाद 4, 5, 6 से लेकर 9 तो जाएंगे ना हम लोग, उसके बीच 2 है, 2 नहीं है, तो लोग छोड़ दो उसको, ये बिलोंग्स में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लगा लिया 15 के बाद हम लोग अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में ये है, निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए, प्रत्येक को सिद्ध कीजिए ए पार्ट में, ए पार्ट में ए उपसमुच्चय बी, फिर बी उपसमुच्चय सी, बी उपसमुच्चय सी तथा सी उपसमुच्चय ए, और हमें सिद्ध करना है ए बराबर सी, ए बराबर सी। देखो सबसे पहले हमने जब 1.3 का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उस समय हमने स्टार्टिंग बताया था सिद्ध करने के लिए, यानी इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी दिखाते हैं, किसको सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब है यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी का मतलब है ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या दिखाओगे, यक्स बिलोंग्स टू बी और यक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब है बी और सी आपस में बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए दिखाओगे यक्स बिलोंग्स टू सी और यक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है सी ए के बराबर है। अब समझना है यहाँ पर ए बराबर क्या है, बी, तथा बी बराबर क्या है, सी। तो जब ए बराबर बी है तो बी बराबर क्या है, सी, तो बी की जगह आप लोग क्या ले सकते हो, सी, तो ए बराबर क्या है, सी। तो ये प्रूफ हो गया, ए बराबर सी प्रूफ हो गया। अब लोग कहोगे इति सिद्धम। इसके बाद बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है ए उपसमुच्चय फाइव, ए उपसमुच्चय फाइव। अब प्रूफ करना है, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे इम्प्लाइज बाई, ठीक है, इम्प्लाइज बाई, और इसको पढ़ेंगे इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट ए बराबर फाइव। तो यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू फाइव, इसका मतलब क्या होता है, ए बराबर फाइव। तो ये प्रूफ हो गया, ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में ये है यक्स बराबर 8 की घात n -7n -1
और बिलोंग्स टू यक्स बिलोंग्स टू यन, बॉय बराबर 49 यन माइनस 1। सिद्ध कीजिए कि यक्स, ये हमें प्रूफ करना है। आप देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो यन बराबर जानते हो, यन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेते हैं हम लोग। हालांकि इसमें यन का मान जब भी दिया जाए तो हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी यन बराबर 1 लेकर भी हल कर सकते हैं। तो यक्स बराबर सबसे पहले 8 की घात 1, यन बराबर 1 ले लिया हमने, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1, तो 8 की घात 1, 7, 7 एकम 7, 7 और 1 8, ये कट के कितना गया 0, तो मतलब हम लोग कहेंगे यक्स बराबर 0, बॉय बराबर 49 और 1 माइनस 1, यन की जगह 1, मतलब 49 इंटू 0 बराबर 0, मतलब बॉय बराबर भी क्या है 0। तो देखो यक्स बराबर भी 0 है, बॉय बराबर भी 0 है, यक्स बराबर भी क्या है 0, बॉय बराबर भी 0 है, तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर बॉय। अब यक्स बराबर बॉय का मतलब जानते हो आप लोग, यक्स बराबर बॉय समझ लें, यक्स बराबर बॉय इसका मतलब है यक्स बिलोंग्स टू यक्स और यक्स बिलोंग्स टू बॉय। इसका मतलब बिलोंग्स टू दिखाना ही है, यक्स उप समुच्चय है बॉय का, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, प्रूफ कर चुके हम लोग कहेंगे इति सिद्धम। अब देखिए 18 नंबर, 18 नंबर में है कि दो परिमित समुच्चय M तथा N अवयव है, परिमित समुच्चय M तथा N अवयव है, पहले समुच्चय के उपसमुच्चय की कुल संख्या दूसरे उपसमुच्चय की कुल संख्या से 56 अधिक है, M तथा N के मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन्होंने कहा दो अवयव M और N है। क्वेश्चन समझना, इन्होंने ये कहा है कि पहले उप समुच्चयों की कुल संख्या दूसरे उप समुच्चय कुल संख्या से 56 अधिक है, तो उप समुच्चय की संख्या, ये फार्मूला अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, उप समुच्चयों की संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 की घात n, जब 2 की घात n है तो प्रश्नानुसार लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, प्रश्नानुसार क्या लगाएंगे, इन्होंने कहा है कि समझना, इन्होंने ये कहा है कि उप समुच्चय कुल संख्या दूसरे उप समुच्चय के से 56 अधिक है, तो मतलब प्रथम उप समुच्चय कुल संख्या जो यन है यानी यम है दूसरे से 56 अधिक है, तो दूसरे उप समुच्चय की संख्या से 56 अधिक है, तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 2 की घात m माइनस 2 की घात n बराबर 56। अब m बराबर और n बराबर ऐसी संख्या लीजिए कि उनको घटाने पर 56 आ जाए, तो एक काम कीजिए m बराबर 6 और n बराबर 4 लीजिए, तब हल करेंगे तो 2 की घात 6 माइनस 2 की घात 4 बराबर ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 2 दूनी 4 दूनी 8, एक काम कीजिए 3 लीजिए, ये 16 हो जाएगा, फिर तब घटा देंगे तो कितना जाएगा 56। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है m बराबर 6 और n बराबर 3 और यही आंसर है। अब दोस्तों हम लोगों ने 1.3 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, अब मिलते हैं 1.4 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।